हनफी अहले सुन्नत के मसलक के मुताबिक अजान, वुजू और नमाज अदा करने के तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हय्या अलस्सलाह। जन्नत में मकां अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। माबूद भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी। हूरे हैं लिए हाथ में हर रंग के मेवे, फल अपनी नमाजों का ये पाते हैं नमाजी। सजदे का निशान चांद सा रोशन है जबी पर, फूले नहीं जामे में समाते हैं नमाजी। डरते हैं कजा होने से, मिटते हैं अजा पर, जा अपनी नमाजों में लड़ाते हैं नमाजी। कहता है ये दरवाजे पे दारोगा जन्नत, हट जाओ कि फिरदौस में आते हैं नमाजी। हूरान जिना कहती हैं अकबर से के सरकार, लो तुम भी चलो खुल्द में जाते हैं नमाजी। खाने काबा, बैतुल्लाह, सिजदगाहे बनी आदम, जिसे तकरीबन 5000 साल कबल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल जबीउल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से मक्का मौसमा की वीरान वादी में तामीर किया, जिसका नक्शा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। इसी मुकद्दस व मुतबर्रिक मुकाम की तरफ रुख करके दुनिया के तमाम मुसलमान पंचगाना नमाज अदा करते हैं, इसलिए कि इनके चेहरे की समत एक हो, इनकी इबादत का रुख एक हो, इनके सिजदे का मरकज एक हो। नबुवत के छठे साल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया। इसी रोज काबे की हुदूद में सबसे पहले ऐलानिया बाजमात नमाज अदा की गई। इसी मुतबर्रिक मुकाम से शबे मेराज में शाफे महशर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की बुलंदियों पर तशरीफ ले गए, जहां परवरदिगार आलम के हुक्म से रोजाना 5 नमाजें फर्ज हुई। यही वो मकाम है जहां दुनिया के निजात दहिंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फतेह मक्के के मौके पर कुफार मक्का को आम मुआफी का ऐलान किया। इसी जगह से हज के मनासिक शुरू होते हैं और इसी जगह पर खत्म होते हैं। नबुवत के 13वें साल रसूल बरहक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का मौजमा से हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा में कयाम फरमाया। तकरीबन 1400 साल पहले की बात है, जब मदीना मुनव्वरा एक छोटी सी बस्ती थी। मक्का मौजमा से हिजरत करके आए हुए मुसलमान इसी शहर की नूरानी गलियों में आबाद हुए। मदीने के रहने वाले लोगों और मक्के से आए हुए महाजिरों ने मिलकर मस्जिद नबवी की तामीर की, जिसकी बुनियाद खुद सरवरे दो आलम ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। सैकड़ों खुदाओं की मानने वाली सरजमीन पर एक अल्लाह की इबादतगाह
खुद रहमत للعالمین خاتم النبیین نے اپنے کندھوں اور سر مبارک پر پتھر اور مٹی اٹھا کر تعمیر کی، کھجور کے پتوں سے چھت اور تنوں سے ستون تیار کیے۔ اللہ کے پیارے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی وقت کا اندازہ لگا کر نماز کے لیے جمع ہو جاتے، جو وقت پر آتا وہ باجماعت نماز ادا کر لیتا اور جو بعد میں آتا انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی نصیب نہ ہوتی۔ آخر تجویز کیا گیا کہ پانچوں وقت باقاعدہ نماز کا اعلان کیا جائے، چنانچہ دوسری سنہ ہجری میں اذان کا آغاز ہوا تاکہ تمام مسلمان ایک مقررہ وقت پر رب العالمین کے حضور پیش ہوں اور جہانوں کے مالک سے اپنے لیے دین اور دنیا کی نعمتیں طلب کریں۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے شہدائیوں کو نماز کے لیے پکارا۔ اذان بلالی مدینے کی فضاؤں میں بلند ہوئی اور پھر پوری دنیا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھا گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وضو، وضو اس لیے کیا جاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے جو کھلے رہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے جہاں مٹی و گرد لگ سکتا ہے، صاف اور پاک ہو جائیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 6 میں پروردگار کا ارشاد ہے،
ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज को उठने लगो तो अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को भी धो कोहनियों समेत, और अपने सरों पर हाथ फेरो और धो अपने पैरों को भी टखनों समय। जिस वक्त आप वुजू शुरू करें तो हर उज्व को धोते वक्त कलमाए शहादत पढ़ते रहें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को 3 मर्तबा इस तरह पानी से धोएं कि पहुंचे तक कोई हिस्सा सूखा न रह जाए। उंगलियों का दरमियानी हिस्सा दूसरे हाथ से अच्छी तरह साफ करें। हाथ धोने के बाद कुल्ली और गरारा कीजिए। हो सके तो मिसवाक वरना टूथब्रश से दांत साफ कीजिए। कम से कम 3 मर्तबा कुल्ली और गरारा करना लाजिम है। इसके बाद हाथ में चुल्लू बनाकर नाक में पानी दीजिए, इस तरह कि पानी नाक के आखिरी हिस्से तक चला जाए। हुक्म है कि हलक और नाक को उस वक्त तक धोते रहिए जब तक कि वो बिल्कुल साफ न हो जाएं। चेहरे को 3 मर्तबा इस तरह धोएं कि रुखसारों की दोनों जानिब कान की लौ तक का हिस्सा और पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे का हिस्सा अच्छी तरह धुल जाए। आंखों को खुला रखिए ताकि वो भी साफ हो जाए। चेहरे को धोने के बाद दाहिने बाजू को कोहनी तक 3 मर्तबा धोएं। आमतौर पर एक हाथ से दूसरे हाथ को अच्छी तरह मलने के बाद हाथ के चुल्लू में पानी लेकर हाथ को इस तरह ऊंचा करें कि पानी कोहनी तक पूरे हाथ पर बह जाए। इसी तरह बाएं हाथ को भी 3 मर्तबा धोएं। ख्याल रखिए कि पानी कोहनियों की पुश्त तक जाना जरूरी है। ये वुजू के फराइज में शामिल है। इसके बाद सर, कान और गर्दन का मसाह करें। मसाह के मानी हैं गीला हाथ बदन के किसी हिस्से पर फेरना। दोनों हाथों को पानी से तर कीजिए, फिर दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों को मिलाकर सामने की तरफ से सर पर इस तरह पीछे की तरफ ले जाएं कि दोनों हाथों के अंगूठे और शहादत की उंगलियां अलग रहें। इसके बाद दोनों हथेलियों को सर के दोनों जानिब से मसाह करते हुए पीछे से आगे की तरफ लाएं। बाद में शहादत की उंगलियों से दोनों कानों के अंदर की सफाई करें, फिर दोनों हाथों के अंगूठों से कान के पीछे का मसाह करें, और आखिर में दोनों हाथों की उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसाह करें। मसाह मुकम्मल करने के बाद पांव को धोएं। पहले दाएं पांव पर पानी ऊपर से नीचे की तरफ डालें। अपने बाएं हाथ की उंगलियों से दाएं पांव की उंगलियों के दरमियानी हिस्से को साफ करें, फिर बाएं पांव को भी इसी तरह कम से कम 3 मर्तबा धोएं। इस तरह वुजू मुकम्मल हो जाता है।
अगर आपने चमड़े के मोजे पहने हुए हैं तो उन पर मसाह कर लें। तयम्मुम, अगर वुजू के लिए पानी ना मिले या किसी मजबूरी की वजह से पानी इस्तेमाल ना कर सकें तो तयम्मुम की नियत करके दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मार के और फिर झाड़ के मुंह पर फेर लें, फिर दोबारा दोनों हाथ मिट्टी पर मार के और फिर झाड़ के दोनों कोहनियों और हाथ पर फेर लें। इस तरह तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। नमाज अदा करने का तरीका। नमाज पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आप पाक और साफ हो, बाकायदा वुजू कर लिया हो। जिस जगह नमाज अदा की जा रही है वो जगह पाक और साफ हो और बदन क़िबले की तरफ हो। पहले ये तय कीजिए कि आप किस वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, ये फर्ज हैं, सुन्नत हैं या नफिल हैं। इसे नियत कहते हैं। नमाज के लिए खड़े हों तो दोनों पांव का दरमियानी हिस्सा मुनासिब रखिए। तकबीर, दोनों हाथ कानों तक बुलंद कीजिए और हाथ की हथेलियों का रुख क़िबले की तरफ कीजिए। निहायत अदब के साथ अल्लाहु अकबर कहिए। क़याम, दोनों हाथ बांध लीजिए इस तरह कि दाएं हाथ का अंगूठा और छोटी उंगली से बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ लें और बाकी तीन उंगलियां बाएं हाथ पर फैला दें। नजरें सजदे की जगह होना लाजमी है। रुकू, क़याम के बाद रुकू किया जाता है। दोनों हाथ इस तरह घुटनों पर रखिए कि हाथों की उंगलियां एक दूसरे से अलग अलग हों। जिस्म का तमाम बोझ घुटनों पर दीजिए ताकि कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। नजर पांव की तरफ रखिए। कौमा, रुकू के बाद सीधे खड़े हो जाइए, इसे कौमा कहते हैं। पहला सजदा, सजदा कीजिए। सजदा करते वक्त पहले दोनों घुटने जमीन पर टेकिए, फिर दोनों हाथों को जमीन पर उस जगह रखिए जहां आपने सजदा करना है। पहले नाक जमीन पर टेकिए, फिर माथा टेकिए। इस तरह आपके हाथ कानों के बराबर आ जाएंगे। पांव को इस तरह खड़ा रखिए कि उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ हो। पेट को दोनों रानों से अलग कीजिए और दोनों हाथ पहलू से जुदा रखिए। जलसा, पहले सजदे से फारिग होकर दोजानों बैठ जाइए, इसे जलसा कहते हैं। बैठते वक्त दाएं पांव खड़ा रखिए और बाएं पांव पर बैठ जाइए। दूसरा सजदा, हर रकत में दो सजदे होते हैं। सजदे में जरूरी है कि पांव खड़े रहें और उसकी उंगलियां क़िबला रुख हों। दूसरी रकत, दूसरा सजदा करने के बाद दूसरी रकत के लिए फिर खड़े हो जाइए। खड़े होते वक्त हाथ जमीन पर न टेकिए बल्कि दोनों रानों पर हाथों का बोझ डालकर खड़े हो जाएं। क़याम के बाद रुकू, कौमा, सजदा, जलसा और फिर दूसरा सजदा अदा करने के बाद उसी तरह बैठ जाइए जिस तरह जलसे में बैठे थे। इसे कादा कहते हैं। निगाहें गोद की तरफ कर लीजिए। अत्तहियात
दरूद शरीफ और दुआ के बाद सलाम फेरिए, पहले दाएं तरफ आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़िए, फिर बाएं तरफ। सलाम फेरते वक्त ख्याल रखिए कि आपकी नजरें अपने कांधों की तरफ हों। ख्वातीन की नमाज। ख्वातीन को किस तरह नमाज अदा करनी चाहिए? ख्वातीन के लिए जरूरी है कि सर के बाल और हाथ चादर में ढके हों। तकबीर के लिए दोनों हाथ कंधों तक बुलंद करें। बाद में कयाम के लिए हाथ इस तरह बांध लें कि दाएं हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर रखी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे हों। रुकू। रुकू में ख्वातीन सिर्फ इतना झुकें कि उनके हाथ की उंगलियां बंद हों और घुटनों पर रखी हों। सिजदा। सिजदे में दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल कर रखें, पेट रानों से और बाजू बगल से मिले हों, इस तरह के बाजू जमीन पर फैल जाएं। कादा। कादा में इस तरह बैठें कि दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल कर बाएं कूल्हे पर इस तरह बैठें कि दाहिनी रान बाएं रान पर आ जाए और दाहिनी पिंडली बाएं पिंडली पर रहे। अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने का हुक्म है, ताकि नमाज में शरीक अल्लाह के बंदे, आखिरी रसूल के शहदाई, एक किताब के मानने वाले ये समझ लें कि हम एक दूसरे के भाई हैं, एक कौम के फर्द हैं, एक दीन के पैरोकार हैं। औकात नमाज। नमाज फज्र सुबह सादिक से शुरू होकर आफताब की पहली किरण चमकने से पहले तक रहता है। फज्र में कुल चार रकात होती हैं, दो सुन्नत मौकेदा और दो फर्ज। दो रकात नमाज फर्ज सुन्नत या नफिल अकेले अदा करने का तरीका। नियत करता हूं दो रकात नमाज फर्ज वक्त फज्र मुंह काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। तेरी पाकी बयान करता हूं हे अल्लाह, और वो भी तेरी तारीफ के साथ। बड़ी बरकत वाला है तेरा नाम, सबसे बुलंद बाला है तेरी बुजुर्गी, और कोई माबूद नहीं तेरे सिवा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खुदा की पनाह मांगता हूं मैं शैतान मर्दूद की दरंदाजी और शरारत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। तारीफ खुदा के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है,
نہایت رحمت والا بڑا مہربان ہے، روز آخرت کا مالک ہے۔ مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا اور انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ خدایا ایسا ہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ افسوس ہے اس شخص کے مال پر جو لوگوں کی عیب چینی کرتا اور لوگوں پر آوازیں کستا ہے، روپیہ جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ایک دن ضرور مرے گا اور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تمہیں معلوم ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کی لپٹیں دلوں پر چھا جاتی ہیں، وہ اونچے ستون جیسے شولوں کی صورت میں ان کو گھیرے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد۔ اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا و برتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا
لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اور قربانی دے، بے شک تیرا دشمن وہی تو بے اولاد رہے گا. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں. سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدایا رحمت فرما ہمارے سردار اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر. یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے. اور خدایا برکت نازل فرما ہمارے سردار اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر. یقیناً
तू बेहतरीन सिफात वाला और बुजुर्ग है। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے رب میرے کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز और मेरी औलाद को। ऐ हमारे रब और कबूल कर मेरी दुआ। ऐ हमारे रब बख्श मुझको और मेरे माँ बाप को और सब ईमान वालों को जिस दिन हो हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ खास ऐ खासाने रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। वो दीन हुई बस में जहां जिससे चरागा, अब उसकी मजालिस में न बत्ती न दिया है। जिस दीन ने गैरों के थे दिल आके मिलाए, उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। फरियाद है ऐ किश्तिये उम्मत के निगेबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, खतरों में बहुत जिसका जहाज आके घिरा है। तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, हाँ एक दुआ तेरी के मकबूले खुदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उफक की तारीख वादी से आफताब ने अपना चमकता हुआ चेहरा निकाला, उजालों ने अपना दामन फैलाया, जिससे जमीन पर नूर ही नूर बिखर गया। परिंदे आसमान की वसतों में गर्दिश करने लगे, इंसान हैवान। गरज ये कि दुनिया की हर जानदार शय रिस्क की तलाश में मसरूफ हो गई। इसी तरह दोपहर ढलनी शुरू हुई। मस्जिद के बुलंद मीनार से अल्लाहु अकबर की अजीम सदा बुलंद हुई, जिसके बारे में रसूल बरहक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स भी अजान की आवाज सुने उस पर लाजिम है कि मौजन के साथ साथ उन कलमात को दोहराए जो मौजन अदा कर रहे हैं। उन कलमात को दोहराना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खुशनुदी और दुनिया व आखरत की कामयाबी का जामिन है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي على الصلاة اور حي على الفلاح کے بعد वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला इसलिए कहते हैं ताकि शैतान आपसे दूर हो जाए। फजर की अजान में जब मौसिन अस्सलातु खैर मिने नौम अदा करें तो इसके जवाब में हमें सदकता व बररता कहना चाहिए। अजान के बाद की दुआ। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اس دعوت کامل کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور آپ کو مقام محمود عطا فرما کہ جس کا وعدہ تو نے فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما کہ تیرا کوئی وعدہ غلط نہیں ہوتا نماز ظہر سورج ڈھلنے یعنی زوال کے بعد سے شروع ہو کر ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک رہتا ہے ظہر میں کل 12 رکعت ہوتی ہیں 4 سنت موقعدہ 4 فرض 2 سنت موقعدہ اور 2 نفل نماز سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا کسی سورت کی کم سے کم 3 آیات تلاوت فرمائیں قاری عمر دراز کی آواز میں سورہ رحمان سورہ نجم اور سورہ مزمل کی تلاوت شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ
فهل من مدكر. اپنے قریبی آڈیو کیسٹ ڈیلر سے طلب فرمائیں. نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت وقت ظہر منہ کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو یوم جزا کی تکذیب کرتا ہے؟ پس وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. پس تف ہے ان نمازیوں پر جو اپنی صلاۃ حقیقی سے غافل ہیں. وہ تو محض دکھاوا ہی کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لک الحمد. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله
الرحيم قل هو الله